नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9 में संचालित श्री सलासर हनुमान बाबा स्वामी मंदिर में आज 9वें दिन जारी जनता रसोई के माध्यम से आज बृहस्पतिवार को जरूरतमंद परिवारों को 1240 भोजन के पैकेटों का वितरण। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वैसे तो पूरे देश में भामाशाह और समाजसेवी संस्थाओं सहित अनेक संगठनों द्वारा इससे अस्त व्यस्त हुए जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध करवाने की सेवा की जा रही है। इसी क्रम में उपखंड पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9 में संचालित श्री सालासर हनुमान बाबासाह मंदिर में अंजनी भारद्वाज व राजकुमार सुथार पूर्व वार्ड पार्षद के नेतृत्व में पिछले करीब 9 दिनों से जनता रसोई शुरू की हुई है, जिसके माध्यम से पीलीबंगा के वार्डों में जरूरतमंद बेसहारा परिवारों को हर रोज भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान बुधवार को अष्टमी के दिन व आज बृहस्पतिवार को नवमी के दिन माँ भगवती दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर वह इस दौरान 9 कन्याओं का पूजन कर व श्री बालाजी को भोग लगवाकर उक्त जनता रसोई के माध्यम से जरूरतमंद जनों को इन 2 दिनों में 2291 भोजन के पैकेट तैयार करके वितरित किए गए। इस श्री सालासर हनुमान बाबासाह मंदिर में क्षेत्र की संस्था कमला टोला धर्मशाला पल्लू कोट सेवा संस्थान के संचालक मेघराज मित्तल सहित अन्य कुछ जनों के विशेष सहयोग से पिछले करीब 9 दिनों से उक्त मंदिर प्रांगण में चल रही जनता रसोई के दौरान क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को आज बृहस्पतिवार तक कुल 8791 भोजन के पैकेटों का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान समाजसेवी दर्शन सिंगला, राजेंद्र सैन, विनोद सैन, पूर्व वार्ड पार्षद विनोद वर्मा, भारत भूषण पंसल और प्रिंपा महावीर भारद्वाज, प्रीतम अरोड़ा, शिवरत्न शर्मा, विनोद मित्तल, राजकुमार अग्रवाल, मोहनलाल शर्मा, नवीन कुमार गोड, चरणजीत शर्मा उर्फ चन्नी, हरजिंदर, अजय मित्तल पत्रकार सहित अनेक जनों का लगातार विशेष सहयोग मिल रहा है। इस पुनीत कार्य के मुख्य प्रवक्ता पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार सुथार ने कृषि संदेश न्यूज को बताया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों की पालना में जरूरतमंदों को भोजन वितरित करने का यह कार्य 14 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। कस्बे के मुख्य व्यवसायी महेंद्र कांकरिया व समाजसेवी संजू सिंगला तथा केशव ITI कॉलेज के संचालक सुनील भादू द्वारा भी इस कार्य में सहयोग दिया गया। पीलीबंगा से कृषि संदेश न्यूज की यह रिपोर्ट।